दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया इन दिनों आबकारी नीति मामले में अनियमितता को लेकर जेल में बंद हैं। बुधवार को एक कार्यक्रम में उन्हें याद करते हुए दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल भावुक हो गए। उन्होंने कहा कि आज मनीष जी की बहुत याद आ रही है। ये उन्हीं का सपना था कि हर बच्चे को अच्छी से अच्छी शिक्षा मिले। मनीष जी को झूठे आरोप लगाकर उन्हें जेल में डाल दिया। वहीं बीजेपी को निशाने पर लेते हुए केजरीवाल ने कहा कि ये सब उनका सपना था। ये चाहते हैं कि शिक्षा क्रांति को खत्म कर दें, लेकिन हम ये होने नहीं देंगे। मनीष जी ने इसकी शुरुआत की थी। उनका सपना था कि सभी बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले। इतने अच्छे आदमी को जेल में डाला हुआ है। अगर वो अच्छे स्कूल नहीं बना रहे होते, शिक्षा ठीक नहीं कर रहे होते, तो आज जेल में नहीं होते। हमें मनीष सिसोदिया के सपने पूरे करने हैं। वो बड़ी जल्दी बाहर आएंगे। सच्चाई कभी हार नहीं सकती। ये उनका सपना था। ये लोग चाहते हैं कि दिल्ली की शिक्षा क्रांति खत्म हो जाए। उसे खत्म नहीं होने देंगे। केजरीवाल जी, तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। केजरीवाल, मनीष जी ने इसकी शुरुआत की थी। उनका सपना था कि हर बच्चे को अच्छी से अच्छी शिक्षा मिलनी चाहिए। इन्होंने झूठे सच्चे आरोप लगा के, फर्जी मुकदमे करके इतने अच्छे आदमी को इन्होंने इतने महीनों से जेल में डाला हुआ है। उनको लगा कि उनको जेल में क्यों डाला हुआ है। देश में इतने बड़े बड़े डाकू घूम रहे हैं, उनको नहीं पकड़ते। उनको मनीष सिसोदिया को जेल में इसलिए डाला हुआ है कि वो अच्छे स्कूल बना रहा है, बच्चों को अच्छी पढ़ाई दे रहा है। अगर आज मनीष सिसोदिया अच्छी पढ़ाई नहीं दे रहा होता, अच्छे स्कूल नहीं बना रहा होता, उसको जेल में नहीं भेजते। किसी हालत में जेल में नहीं भेजते। उनको तकलीफ हो रही है कि इस तरह से अच्छे अच्छे स्कूल बन रहे हैं। आम आदमी पार्टी का प्रचार हो रहा है चारों तरफ। मैं जहां भी जाता हूं पूरे देश के अंदर, सब एक ही बात करते हैं कि जी स्कूल बड़े अच्छे बन गए दिल्ली के, स्कूल बड़े अच्छे बन गए दिल्ली के, बच्चों के नतीजे बड़े अच्छे आने लग गए, गरीबों के बच्चों को अच्छी शिक्षा मिलने लग गई। इसीलिए इनको तकलीफ हो रही है। अगर मनीष सिसोदिया जी शिक्षा पे आपके लिए काम नहीं करते, उनको जेल नहीं होती। तो हमें उनके सपने पूरे करने हैं, उनके काम को नहीं रुकने देना। बता दें कि उत्तर पश्चिमी दिल्ली के बवाना के दरियापुर गांव में दिल्ली सरकार के नए स्कूल के उद्घाटन के दौरान सीएम केजरीवाल वहां मौजूद लोगों को संबोधित कर रहे थे। इसी दौरान वो मनीष सिसोदिया को याद कर भावुक हो गए। दिल्ली सरकार ने 17 नवंबर 2021 को नई शराब नीति लागू की थी, लेकिन भ्रष्टाचार के आरोपों के बाद सितम्बर 2022 के अंत में इसे वापस ले लिया गया था। ब्यूरो रिपोर्ट, सत्य खबर। सत्य खबर, सत्य सटीक बेबाक।